स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में। और आज का हमारा टॉपिक है उर्वरकों का वर्गीकरण। हमारा 8th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है उर्वरकों का फसलों में उपयोग और फसलों पर प्रभाव। अपने इससे पहले 1st चैप्टर भी करवा चुके हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का और 12th चैप्टर भी करवा चुके हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास का बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलती रहे। तो हम उर्वरकों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं जिसके 5 टाइप हैं, उसमें से हमने 2 टाइप कर लिए हैं। पहला टाइप तो था नाइट्रोजन उर्वरकों का वर्गीकरण, फिर हमने पढ़ा फॉस्फोरस उर्वरकों का वर्गीकरण और अब हम पढ़ रहे हैं पोटेशियम उर्वरकों का वर्गीकरण। पोटेशियम उर्वरकों को मोटे तौर पर 2 भागों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? एक तो होते हैं क्लोराइड युक्त और दूसरे होते हैं क्लोराइड विहीन। अगर मैं बात करूं क्लोराइड युक्त पोटेशियम उर्वरकों की तो क्लोराइड युक्त पोटेशियम उर्वरक होता है KCl, पोटेशियम क्लोराइड, या अकेला इसका एग्जाम्पल है। इसे हम म्यूरेट ऑफ पोटाश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम म्यूरेट ऑफ पोटाश भी बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा काम में आने वाला पोटेशियम उर्वरक है। भारत में जितने भी पोटेशियम उर्वरक इस्तेमाल किए जाते हैं उनका जो 60% भाग होता है वो यही होता है म्यूरेट ऑफ पोटाश। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछा जाए कि इसमें पोटेशियम की मात्रा कितनी है तो म्यूरेट ऑफ पोटाश में 60% जल विलय पोटेशियम पाया जाता है। किस रूप में? K2O के रूप में इसमें पोटेशियम पाया जाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है क्लोराइड युक्त पोटेशियम उर्वरकों में, इसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश या फिर पोटेशियम क्लोराइड सम्मिलित होते हैं। ये सबसे सस्ता पोटेशियम उर्वरक है। ठीक है, भारत में जितने भी पोटेशियम उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है उनका 60% भाग जो होता है वो केवल पोटेशियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। इसमें 60% जल विलय K2O पाई जाती है। अगर हम बात करें क्लोराइड विहीन पोटेशियम उर्वरकों की तो क्लोराइड विहीन पोटेशियम उर्वरक जो है वो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है पोटेशियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला होता है K2SO4, फिर दिया हुआ है पोटेशियम नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला होता है KNO3, फिर दिया हुआ है पोटेशियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है K2CO3। तो पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्राइड, पोटेशियम कार्बोनेट ये सारे के सारे क्लोराइड विहीन पोटेशियम उर्वरकों के उदाहरण हैं क्योंकि इनमें क्लोराइड यानी क्लोरीन नहीं पाई जाती। और ये जो होते हैं वो म्यूरेट ऑफ पोटाश की तुलना में महंगे होते हैं उर्वरक। ठीक है, तो ये हमारे पोटेशियम उर्वरकों का वर्गीकरण था। अगर हम बात करें किसकी? यौगिक उर्वरक की, तो यौगिक उर्वरक वे उर्वरक होते हैं जो क्या करते हैं? ऐसे उर्वरक जो एक से ज्यादा पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, जो एक से ज्यादा पोषक तत्व प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यौगिक उर्वरक कहा जाता है। जैसे डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट क्या होता है? NH4 की 2HPO4 होता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन भी देता है, ये फास्फोरस भी देता है। तो ऐसे उर्वरक जो नाइट्रोजन और फास्फोरस मतलब जो एक से ज्यादा पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य करते हैं उन्हें यौगिक उर्वरक कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं एकल उर्वरक की, तो एकल उर्वरक वे उर्वरक होते हैं जो केवल और केवल एक ही प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करते हैं उन्हें एकल उर्वरक कहा जाता है। यूरिया सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन देने का काम करता है, सिंगल सुपर फास्फेट सिर्फ फास्फोरस देने का काम करता है और म्यूरेट ऑफ पोटाश सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम प्रदान करने का कार्य करता है। तो ऐसे उर्वरक जो मृदा में केवल एक ही प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं उन्हें एकल उर्वरक कहा जाता है। आगे अगर हम बात करें तो देखो कहते हैं पौधों को आवश्यक पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व, प्राथमिक पोषक तत्व कौन से? NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं प्राथमिक पोषक तत्व। तो कहते हैं कि पौधों को आवश्यक प्राथमिक पोषक तत्व प्रदान करने हेतु नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश युक्त उर्वरक प्रयोग में लाए जाते हैं। ये उर्वरक मृदा में मिलने पर क्या करते हैं? नमी की उपस्थिति में और किसकी उपस्थिति में? सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में, कि ये उर्वरक जो होते हैं वो नमी और सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में अनुपलब्ध रूप से उपलब्ध रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे मान लो यूरिया जो है, यूरिया से नाइट्रोजन को सीधा प्राप्त नहीं किया जा सकता। यूरिया से अगर हमें नाइट्रोजन प्राप्त करनी है तो इस एमाइड रूप को हमें आगे चल के अमोनियम में, अमोनियम से नाइट्राइट में और नाइट्राइट से नाइट्रेट में परिवर्तित करना पड़ता है। तो सूक्ष्म जीव ये करते होते हैं। सूक्ष्म जीव क्या करते होते हैं? सबसे पहले तो ये जो यूरिया होगा वो क्या होगा? यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदलता है? अमोनियम यौगिक में बदल जाता है।
फिर उस अमोनियम को किस में बदला जाता है, उस अमोनियम को बदला जाता है नाइट्राइट में, नाइट्राइट में बदला जाता है। और ये काम कौन करता है, ये काम करता होता है नाइट्रोसोमोनास। फिर ये नाइट्राइट किस में बदला जाता है, ये नाइट्राइट नाइट्रेट में बदला जाता है। और ये काम कौन करता है, नाइट्रोबैक्टर। तो अमोनियम के रूप में पौधे सीधा नहीं प्राप्त कर सकते नाइट्रोजन, हमें पहले नाइट्रेट रूप में नाइट्रोजन को बदलना पड़ता है। तो ये सब क्रिया नमी की उपस्थिति में और सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में होती है। तो यही बात लिखा हुआ है कि विभिन्न सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता से पौधों को उपलब्ध रूप में उपलब्ध होते हैं क्या, पोषक तत्व। पोषक तत्व जो होते हैं वो पौधों को अनुपलब्ध रूप से उपलब्ध रूप में प्राप्त हो जाते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अलग अलग उर्वरकों की मृदा में अभिक्रिया और उनके फसलों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिया की। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ये एक कार्बनिक उर्वरक है, कार्बनिक उर्वरक इसीलिए क्योंकि इसमें कार्बन पाया जाता है। इसके अलावा एक और है जिसमें तुम्हारा कार्बन पाया जाता है, जिसका उदाहरण है कैल्शियम साइनेमाइड यानी CaNCN। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है, उर्वरक अकार्बनिक होते हैं, लेकिन ये हमारा कार्बनिक उर्वरक में आता है। तो कहता है भारत में सबसे ज्यादा किसान इसी उर्वरक का इस्तेमाल करते होते हैं। इसमें 90% तक नाइट्रोजन होती है। उसके बाद मतलब कारखानों में जितनी भी उर्वरक बनाए जाते हैं उसका जो 90% भाग होता है वो यूरिया ही होता है। मतलब कि इंडिया में सबसे ज़्यादा 90% यूरिया को ही इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है अथवा में पूछा जाता है। ऊपर भी उर्वरक दिया होता है, नीचे भी उर्वरक दिया होता है। वो आप लोगों से 4 चीज़ें पूछेगा। एक तो पूछेगा उसका संगठन, एक तो क्या पूछेगा उसका संगठन पूछेगा, दूसरा उसके पूछेगा गुण, तीसरा पूछेगा मृदा में अभिक्रिया और चौथा पूछेगा फसलों पर प्रभाव। फसलों पर प्रभाव भी वो आप लोगों से पूछते हैं, तो आप लोगों को ये सारी चीजें याद करनी है। तो देखो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूरिया का संगठन। इसमें नमी कितनी होती है, 1% पाई जाती है। नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है इसमें 46% नाइट्रोजन, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाई यूरेट 1.5%। तो बाई यूरेट होता क्या है, देखो ध्यान से, यूरिया के जब दो अणुओं में से, मैंने ये ले लिया यूरिया NH2CONH2, ठीक है, एक यूरिया का अणु ले लिया प्लस साथ में मैं दूसरा यूरिया का अणु लेके चल रही हूँ, ये ले लिया मैंने NH2CONH2। तो जब क्या किया जाता है, यूरिया के दो अणुओं में से क्या निकाल दी जाती है, अमोनिया, अमोनिया निकाल दी जाती है, अमोनिया। तो देखो यहाँ से क्या निकलेगा, H, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, NH2। कुल मिला के क्या निकलता है, NH3 निकल जाता है। अमोनिया निकलने के बाद देखो बनेगा क्या, ये बन जाएगा तुम्हारा NH2, उसके बाद क्या आएगा CO, फिर क्या आ जाएगा NH, फिर क्या आ जाएगा उसके बाद आ जाएगा CO, फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा NH2। तो ये क्या होता है, ये होता है बाई यूरेट। बाई का मतलब दो, यूरेट यूरिया के लिए है कि यूरिया के दो अणु में से जब हम एक अमोनिया का अणु निकाल देते हैं तो एक अमोनिया का अणु निकलने पर बाई यूरेट का निर्माण होता है। तो बाई यूरेट कितनी है, बाई यूरेट 1.5%, गोल कण आकार जो IS छलनी 320 से गुजर जाए। तो ये छलनी का टाइप दिया हुआ है, वो उसके साइज के हिसाब से दिया हुआ होता है। तो अब देखिए हम बात करते हैं गुण। तो गुण क्या होता है, ये सफेद दानेदार होता है, जल में घुलनशील होता है, नमी को शीघ्र ग्रहण कर लेता है। इसमें 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले यूरिया जो होता है वो नमी के संपर्क में आने पर, नमी की उपस्थिति में ये घुल जाता है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होती है, एमाइड के रूप में होती है, जिसका उपयोग पौधे सीधा नहीं कर पाते। तो पहले इसको क्या किया जाता है, यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में यूरिया को किस में तब कन्वर्ट कर लिया जाता है, कन्वर्ट कर लिया जाता है अमोनियम कार्बोनेट में। तो देखो कैसे होता है, मैं तुम लोगों को समझाती हूँ अमोनियम कार्बोनेट में कन्वर्ट। जैसे मैंने ये ले लिया यूरिया, NH2 ले लिया CONH2, इसकी अभिक्रिया करवानी है जल के साथ, तो जल के साथ मैं अभिक्रिया करवा रही हूँ, मैंने ले लिया HOH, मैंने एक और अणु ले लिया जल का HOH, दो अणु ले लिए मैंने जल के। अब मैं क्या करती हूँ, इसको कट कर रही हूँ। तो देखो कैसे कट करते हैं इसको ध्यान से, यहाँ से क्या निकल गया NH4, यहाँ से भी क्या निकल गया NH4, तो NH4 कितने निकल गए, NH4 निकल गए दो, NH4 की ट्वाइस, CO बीच में है 3,
CO3, तो ये बन गया तुम्हारा अमोनियम कार्बोनेट। अब ये अमोनियम कार्बोनेट कौन कौन से अणु हमें आयन देता है? एक तो देता है हमें NH4+ आयन और एक हमें देता है CO3-2 आयन, अमोनियम आयन और कार्बोनेट आयन। अब ये अमोनियम आगे चल के पहले नाइट्राइट में बदलता है, फिर नाइट्रेट में बदलता है, और नाइट्रेट जो होती है वो जल में घुलनशील होने के कारण पौधों को प्राप्त हो जाती है। तो ये लिखा हुआ है देखो, यूरिया की जल के दो अणुओं से अभिक्रिया करके अमोनियम कार्बोनेट बना लिया, अमोनियम कार्बोनेट आगे चल के दो अमोनियम आयनों में और एक कार्बोनेट आयन में टूट जाता है। ये अमोनियम आयनों का फिर क्या करवाया जाता है, इन अमोनियम आयनों की आगे क्रिया करवाई जाती है, पहले इसको नाइट्राइट में बदला जाता है, नाइट्रोसोमोनास करता है ये काम, फिर इसको नाइट्रेट में बदला जाता है, ये काम नाइट्रोबैक्टर करता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, कहते हैं यूरिया से प्राप्त अमोनियम आयन का उपयोग निम्न प्रकार से होता है। अमोनियम आयन का कुछ भाग पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जैसे धान की फसलें नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ही ग्रहण करती हैं। कुछ भाग इसका वायुमंडल में क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, विसरित हो जाता है। ठीक है, अब तुम्हें पता ही है कि भाई मृदा के जो कोलाइड होते हैं उनके ऊपर ऋणावेश होता है, मृदा कोलाइड ह्यूमस इन पर ऋणावेश होता है, इसी के कारण यह धनायनों को अपनी सतह पर अधिशोषित करने की क्षमता रखता है। तो अमोनियम एक धनायन ही है, तो अमोनियम जाकर मृदा के जो कोलाइड होते हैं उनके ऊपर जाकर चिपक जाता है, अधिशोषित हो जाता है। तो यही बात लिखी हुई है, मृदा कोलाइड ऋणावेशित होने के कारण अमोनियम आयन मृदा कोलाइड पर अधिशोषित हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मृदा कोलाइड पे ऋणावेश है, अमोनियम पे धनावेश है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे और अमोनियम जाकर मृदा कोलाइड पर अधिशोषित हो जाएगा। अमोनियम का अमोनिया में नाइट्रीकरण हो जाता है, अमोनियम का अमोनिया में नाइट्रीकरण हो जाता है। देखो ये तुम लोगों को रिएक्शन दी हुई है, ये तुम लोगों को करनी है। अमोनियम सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा ऑक्सीकृत होकर नाइट्रेट में, देखो ये अमोनियम पहले नाइट्राइट में बदला, नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में बदला, ये क्रिया किसके द्वारा होती है, ये क्रिया शुरू में तो होती है नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में, फिर होती है नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में। तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी, यहाँ 2O2 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ O2 लिखेंगे, 2NO2-O2 से क्रिया करता है। तो एक NO2 ने एक ऑक्सीजन ग्रहण की, दूसरे NO2 ने दूसरी ऑक्सीजन ग्रहण की, दो नाइट्रेट में परिवर्तित हो गए। और ये क्या हुआ है यहाँ पे अमोनियम वाले केस में, ये देखो अमोनियम वाले केस में ये होता है NH4+, दूसरा फिर NH4+, दो NH4+ लेने हैं, क्रिया किससे करवाई जा रही है, O2 के साथ। अभी हम ये नहीं लिखते कि भाई कितनी ली हुई है, हम सिर्फ O2 लेके चल रहे हैं। तो दो नाइट्रोजन है तो ऑब्वियस सी बात है नाइट्रेट के तो दो ही अणु बनेंगे, तो मैंने दो नाइट्रेट के अणु बना दिए। हाइड्रोजन कितने हैं, 8, 8 में से हम लोगों ने क्या किया, 8 में से हम लोगों ने 4 हाइड्रोजन, देखो मैं तुम लोगों को पूरा अच्छे से समझाती हूँ, ये ले लिया मैंने NH4+, ये ले लिया मैंने दूसरा NH4+, क्रिया मैं करवा रही हूँ तुम्हारी O2 के साथ। ठीक है, अभी मैंने बैलेंस नहीं किया, दो नाइट्रोजन थे तो मैंने दो नाइट्रेट बना दिए, ये दो नाइट्रेट बन गए। ठीक है, 8 हाइड्रोजन है, 4 तुम लोगों की ये पड़ी हुई है और 4 तुम लोगों की ये पड़ी हुई है, तो 4 में से 8 में से 4 हाइड्रोजन तो नवजात हाइड्रोजन के रूप में निकल जाती हैं। ठीक है, बाकी बच गए 4, वो 2H2O बना लेती हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन काउंट करो, ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए, 2, और ऊपर कितने हो गए, 4, तो टोटल कितनी हो गई, 6, तो इसीलिए मैं यहाँ 3O2 लगा देती हूँ। ये अभिक्रिया हो गई किसकी, अमोनियम को नाइट्राइट में बदलने की क्रिया, जो नाइट्रोसोमोनास करता है। अब नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, ध्यान से देखेंगे, नाइट्रोबैक्टर ये जो नाइट्राइट बना है ना, NO2-2NO2-1, इसकी किससे क्रिया करवाओगे, O2 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2NO3- में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक NO2 ने एक ऑक्सीजन ग्रहण की, दूसरे NO2 ने दूसरी ग्रहण की, तो 2NO3-1 बन गए। ये अभिक्रिया नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में होती है। अमोनियम जो होता है वो नाइट्रेट के रूप में बदलता है, और नाइट्रेट जल में घुलनशील होने के कारण पौधों को आसानी से क्या हो जाता है, पौधों को आसानी से प्राप्त हो जाता है। देखो यही चीज लिखी हुई है, उपयुक्त अभिक्रिया से निम्नलिखित व्यवहारिक बातें समझ में आती हैं क्या, कि इस अभिक्रिया हेतु वायु संचार वाली मृदाओं की जरूरत है, क्योंकि जिस मृदा में वायु होगी, नमी होगी, उसी मृदा में सूक्ष्म जीव क्रिया कर पाएंगे। अगर वायु ही नहीं है तो सूक्ष्म जीव भी ढंग से क्रिया नहीं कर पाएंगे। आगे कहते हैं सूक्ष्म जीवों की सक्रियता आवश्यक है, उसके लिए पर्याप्त क्या होनी चाहिए, उचित वातावरण, ताप, नमी का होना अत्यंत आवश्यक है। इस अभिक्रिया में नवजात हाइड्रोजन बनती है, जिससे हाइड्रोजन, ये देखो नवजात हाइड्रोजन बनी है ना,
अब तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन पे H प्लस आयन है, ठीक है, तो H प्लस आयन ले लो, 4H प्लस ले लो यहाँ पे तुम, ठीक है, यहाँ 4H प्लस लेके चलने हैं। ये नवजात हाइड्रोजन क्या करती है कि मृदा कोलाइड, ये कैल्शियम मृदा कोलाइड है जिनके अंदर कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। दो कैल्शियम आयन बाहर निकलेंगे, एक कैल्शियम आयन जब बाहर निकलता है तो दो हाइड्रोजन आयन आते हैं, क्यों, एक कैल्शियम पे प्लस का दो है जबकि एक हाइड्रोजन पे तो प्लस का एक है, तो बराबरी अगर करनी है तो कैल्शियम के दो, सॉरी कैल्शियम का एक और हाइड्रोजन के दो बराबर होंगे, तो एक कैल्शियम बाहर निकला दो हाइड्रोजन अंदर गए, दूसरा कैल्शियम बाहर निकला दो हाइड्रोजन अंदर गए, तो टोटल कितने हाइड्रोजन अंदर चले गए, चार हाइड्रोजन अंदर चले गए। ये हमारे चार हाइड्रोजन जब मृदा पर जाकर H प्लस आयन चिपक जाएंगे तो मृदा को क्या बना देंगे, अम्लीय बना देंगे और कैल्शियम आयन बाहर निकल आते हैं। इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, धनायन विनिमय प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कि एक धनायन ने दूसरे धनायन का क्या कर दिया, विनिमय कर दिया, अदला बदली कर दी, कैल्शियम आयन तो बाहर निकल गए और हाइड्रोजन आयन उनके कैल्शियम की जगह पर चले गए। तो मृदा कोलाइड पर H प्लस आयनों के चिपकने से मृदा क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। तो इस प्रकार ये लिखा हुआ है ना कि नवजात हाइड्रोजन बनती है जिससे हाइड्रोजन आयन्स मृदा कोलाइड पर अधिशोषित होकर मृदा की अम्लीयता को बढ़ा देते हैं। अब देखो ध्यान से, यूरिया का लगातार प्रयोग करने से मृदा का पीएच जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पीएच बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो मृदा अम्लीय हो जाती है। यूरिया क्या करता है, यूरिया और अमोनियम सल्फेट उर्वरकों की तुलना में यूरिया जो होता है वो अमोनियम सल्फेट से कम अम्लता उत्पन्न करता होता है। अमोनियम सल्फेट ज़्यादा अम्लता उत्पन्न करने का कार्य करता है। कहते हैं कि 100 किलो यूरिया से उत्पन्न अम्लता को उदासीन करने के लिए 80 किलो कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होती है। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर होता है जो मृदा को, अम्लीय मृदा को उदासीन बनाने का कार्य करता है। कहते हैं कि मृदा में अमोनियम आयन का ह्रास नहीं होता, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर धनायन होने के कारण, प्लस होने के कारण ये जो ऋणावेशित मृदा कोलाइड होते हैं उन पे अधिशोषित हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं तो चिपक जाते हैं जिससे इनका लीचिंग या निक्षालन के द्वारा ह्रास नहीं हो पाता, तथा आयन विनिमय से मृदा विलयन में आकर नाइट्रीकरण द्वारा पौधों को उपलब्ध होती रहती हैं। बाद में नाइट्रेट आयन पौधों द्वारा ग्रहण करने के पश्चात नाइट्रोजन का ह्रास, निक्षालन, वाष्पन, विनाइट्रीकरण, अमोनीकरण, अमोनियम स्थिरीकरण द्वारा होता है। तो ये हम लोगों को बताया हुआ है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लें, इसको आप लोगों को अच्छे से समझ लेना। ये देखो बायूरेट के बारे में तो मैंने तुम लोगों को बता ही दिया था कि यूरिया के जब दो अणु निकलते हैं, मतलब यूरिया के दो अणुओं में से जब अमोनिया का एक अणु निकलता है तो बायूरेट का निर्माण होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे देखो यूरिया का फसलों के अंदर प्रभाव बता रखा है, तो कहते हैं यूरिया में, ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यूरिया में बायूरेट की 1.5% मात्रा होती है। अगर यूरिया में बायूरेट की मात्रा बढ़ जाए तो विषैला प्रभाव क्या पड़ता है, देखो, इससे अधिक मात्रा पर बीजों के अंकुरण और पौधों की वृद्धि पर विषैला प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार का यूरिया पर्णीय छिड़काव हेतु प्रयोग में नहीं लिया जाता, कि जिसमें बायूरेट की मात्रा 1.5% से ज़्यादा होगी वो बीजों के अंकुरण पर प्रभाव डालेगी, पौधों की वृद्धि पर प्रभाव डालेगी, और इसके अलावा उस यूरिया का पर्णीय छिड़काव के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब देखो फसलों पर क्या प्रभाव होता है यूरिया का, कहते हैं कि मृदा तथा खड़ी फसल में इसे उपयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग कीटनाशकों के साथ भी किया जा सकता है। पत्तियों पर छिड़काव हेतु ये प्रभावशाली और उत्तम उर्वरक है। यूरिया का जो उपयोग होता है फसल में आधी मात्रा तो बोते समय और शेष आधी मात्रा के दो हिस्से, देखो आधी मात्रा तो हम बोते समय डाल देते हैं, बाकी बचा आधा उसके दो हिस्से कर लेंगे, एक चौथाई भाग प्लस एक चौथाई भाग। एक चौथाई भाग तो कब डाला जाएगा, फसल वृद्धि करते समय, और दूसरा भाग कब डाला जाएगा, फूल और फलियां बनते समय। सभी प्रकार की फसलों में यह प्रभावशाली और लाभदायक होते हैं। शुष्क खेती की फसलों में पर्णीय छिड़काव द्वारा नाइट्रोजन देना आसान और लाभदायक है। 2% से ज़्यादा बायूरेट होते ही ये फसलों पर कुप्रभाव डालने लगता है। गंधक, नीम की खली, लाख इत्यादि से यूरिया को लेपित कर ये क्या किया जा रहा है, यहाँ पे उपचार किया जा रहा है यूरिया के द्वारा, कि गंधक, नीम की खली, लाख इत्यादि से यूरिया को लेपित कर प्रयोग करने से घुलनशीलता इसकी कम हो जाती है, और कम घुलनशील हो जाएगा तो फिर ये धीरे धीरे पौधों को प्राप्त होगा। तो ये आज का आपका टॉपिक था यूरिया, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आज
आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और कल हम पढ़ेंगे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें सब पढ़ना है। संगठन, गुण, मृदा में अभिक्रिया और फसलों पे प्रभाव, ये चारों की चारों पॉइंट हमें अच्छे से याद होना चाहिए। पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है ये, तो आप इसके अच्छे से तैयारी कर लें, इसके अच्छे से नोट्स बना लें। धन्यवाद।